नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से दूध नहीं खरीदना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उन जगहों से दूध ना खरीदा जाए। पैकेट का दूध मैं कहूँगा नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो वो प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक में पड़ी हुई चीज़ में प्लास्टिक अंश जाता है, वो आपके शरीर में जाकर नुकसान करता है, तो जो प्लास्टिक का नुकसान है वो तो अलग नुकसान नहीं। इसके अलावा पैकेट के दूध आमतौर पर बड़ी कंपनियाँ बेचती है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इतना सारा दूध बेचना है, इतना सारा बिजनेस करना है, इतना सारा व्यापार करना है, तो ज़्यादा दूध चाहिए, ज़्यादा मांग है, ज़्यादा डिमांड है तो पूरी करनी है। भारत की जनसंख्या वैसे ही बहुत बढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं कि फिर गाय को हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं तो वो हार्मोन दूध में आते हैं और वो हम पीते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आजकल के दूध में क्या दिक्कत है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और फिर जो गाय जिसके पेट में बछड़ा होता है उससे 9 के 9 महीने दूध निकाल लेते हैं, उसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दूध में, क्योंकि वो गाय प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में बछड़ा होता है, वो भी दूध में आता है, वो नुकसान करता है। गाय मशीनों से दुई जाती है, मशीनों से दुई हुई गाय का दूध भी नुकसान कर सकता है, तो वो सारा पैकेट में मिल करके आता है और उनको अपना व्यापार बढ़ाना है, बिजनेस चलाना है, तो फिर वो ये सब करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पैकेट का दूध मत पियो या कोशिश करो पीना नहीं पड़े। फिर अगर कोई छोटी कंपनी भी है या कोई छोटा आदमी भी है कोई जहाँ से तुम्हारा दूध वाला मशीन से दूध दूर है, तो कोशिश करो कि उससे दूध ना लो। मशीन से जहाँ दूध दुहया जाता है वहाँ से मत लो। मशीन से दुई भी गाय का दूध क्यों नुकसान कर सकता है, ये हार्मोन डाली हुई गाय का दूध और ये सब क्यों नुकसान कर सकता है, ये सब पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि प्रॉब्लम विथ टुडेज मिल्क, उसमें देख सकते हो। एक उस जगह से मैं दूध खरीदने के लिए मना करूँगा जहाँ पे क्या है, कई दुकान वाले क्या होते हैं कि बहुत सारा दूध ले लेते हैं, जैसे उस दूध वाले से बहुत सारा दूध ले लिया, 8-10-15-20-50 दूध वालों से दूध ले लिया, एक ही दुकान है, बड़ा दूध का काम करता है और वो सबका दूध इकट्ठा करके वहाँ से बेचता है। उसमें क्या है कि जो एक जहाँ पर बहुत जगहों पर दूध आके मिलता है ना, वहाँ पर क्या है कि हो सकता है 10 दूध वालों से उसने दूध इकट्ठा किया, उसमें से 7 दूध वालों ने कोई भी गलत काम नहीं किया, जैसा दूध था वैसा गाय से निकला, वैसा वैसा ला के दे दिया, हाथ से दूया था और वही ला के दे दिया। पर क्या है कि उसमें से एक जो बचे हुए 3 थे उनमें से एक ने क्या केमिकल से बना हुआ दूध ला करके दे दिया, वो सारे दूध में मिल गया। अब तुम उसमें से 1 किलो दूध भी लोगे तो भी तुम्हें वो केमिकल आएगा उसमें तुम्हारे दूध में मिल करके। एक दूध वाला था जिसने अपनी गायों को इंजेक्शन लगाए थे हार्मोन के, वो हार्मोन वाला दूध ला करके दे दिया, तो अब तुम वो सारे दूध में वो मिल गया, अब तुम वो दूध लोगे तो तुम्हारे दूध में भी 1 किलो दूध में, 1/2 किलो दूध में भी हार्मोन आएंगे। एक दूध वाला था जिसने गंदा पानी मिला दिया था दूध में, उसका क्रीम निकाली उसमें गंदा पानी मिला दिया उसका बाहर बढ़ाने के लिए, तो अब वो सारे दूध में मिल गया, वो गंदा पानी सारे दूध में मिल गया, तुम उसमें से पाव भर दूध भी लोगे तो भी वो गंदा पानी का अंश तुम्हारे पास में आएगा। तो ऐसी जगह से दूध मत लो जहाँ पे बहुत जगहों में दूध मिल रहा है आकर के। फिर मैं कहूँगा उन जगहों से दूध मत लो जिन पे तुम्हें भरोसा नहीं है, जहाँ पे तुम्हें पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। जो तुम्हारे घर पे दूध ला कर देता है तुम्हें क्या पता वो पीछे क्या कर रहा है तुम्हारे दूध के साथ में, वो उसमें गाय को इंजेक्शन दे रहा है कि नहीं, वो गंदा पानी मिला रहा है कि नहीं, क्रीम निकाल रहा है कि नहीं, वो गाय मशीन से दूध रहा है कि नहीं। हालांकि आजकल तो मशीन से दुई हुई गायों को ये कहकर के बेचा जाता है कि भाई आजकल तो गाय मशीन से दुई जाती है, इसमें तो कोई हेर फेर करने का स्कोप ही नहीं है, इसमें तो कोई घोटाला कर ही नहीं सकते, गाय सीधा मशीन से दूध करके वो आ करके पैकेट में पैक हो जाता है दूध, इस तरीके से कहकर के बेचा जा रहा है आजकल, मतलब इसको अच्छा दिखा कर बेचा जा रहा है मशीन से दूध को। और फिर दुकानों पे जाकर के जहाँ खुला दूध तुम लेते हो, यार तुम्हें क्या पता कि वो दूध के साथ उसने पीछे क्या किया, कैसे धोया गया, उसमें इनमें से कोई भी दिक्कत है या नहीं। तो मैं कहूँगा जिन जगहों पे तुमने देखा नहीं पीछे क्या हो रहा है या फिर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम वहाँ से मत लो। अब तुम ये कहोगे कि सारी जहाँ जहाँ से ले सकते हो सब मना कर दिया तो कहाँ से लें, देखो यार मैं तुम्हें कोई ऐसा एक चमत्कारी नाम नहीं बता दूंगा किसी कंपनी का कि इससे ले लो, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जो तुम ध्यान में रख करके अपने घर का दूध लाओ, या वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि दूध कहाँ से लिया जाए। और मैं कह रहा था कि दूध हमारे क्या आयुर्वेद के जो खाने का तरीका है उसमें दूध हमारी सेहत का एक बहुत ही ज़रूरी अंश है, ज़रूरी हिस्सा है। तो अगर हमारा दूध ख़राब होता है तो हमारे घर में दूध की जो भी चीज़ें वो सब खराब होती है, दूध से दही जमता है, अगर दूध में हार्मोन है तो दही में आएंगे, दूध में हार्मोन है तो छीना जो आप दूध फाड़ के बनाओगे जैसे पनीर भी कहते हैं उसमें हार्मोन आएंगे आपके,
केमिकल के दूध था तो आपके दूध दही में आएंगे, छाछ में आएंगे, या हार्मोन आपकी मलाई जो निकाल रहा हो दूध में, जो फैट जमा होता है उसमें ही हार्मोन चिपक जाते हैं, उस फैट वाली जगह पे हार्मोन चिपक जाते हैं। अभी मलाई में आएगा जो आप उस दूध से घर पे घी बनाओगे उससे आएगा, जो आप मक्खन बनाओगे उसमें आएगा, इन सब चीज़ों में आ जाएगा अगर आपका दूध खराब होगा। तो सही तरीका ये है, दूध सही हो और सही दूध आया घर में, 2 किलो 3 किलो 4 किलो दही भी घर में जमाओ, उसे छेना या पनीर भी घर में उसी दूध का बनाओ, क्योंकि तुम बाजार से सीधा दही लेके आओगे तो फिर वही दिक्कत क्या यार, वो सही दूध का है कि नहीं है उसमें क्या गड़बड़ है, बाजार से तुम छेना ले आया पनीर ले आया तो फिर वही दिक्कत यार, ये सही दूध का है कि नहीं है, मलाई तुम बाजार से ले आए, घी तुम बाजार से ले आए, मक्खन तुम बाजार से ले आए, छाछ तुम बाजार से ले आए, फिर वही दिक्कत है सही दूध का है कि नहीं है। इसलिए सही दूध घर पर लाओ और उस सही दूध से सब कुछ बनाओ। तुम कहोगे अब छाछ के लिए तो मिलोना करना पड़ता है, मलाई सारी निकाल ली कैसे जाती है, मैंने बताया नेचुरल वेजिटेरियन रिप्लेसमेंट फॉर प्रोटीन पाउडर वाले वीडियो में, घर पे छीना कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने बताया, सेपरेटिंग प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट वाले वीडियो में। छाछ के लिए मैंने बताया कि आजकल इलेक्ट्रिक मदाने आ रही है जो कि बिजली में लगा और वो बिलोड़ा कर देती है, तो उससे बिलोड़ने से मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है, तो कोई अगर बहुत आलसी और शरीर हिलाना नहीं चाह रहा, हाथ से बिलोड़ा नहीं करना चाह रहा, तो वो इलेक्ट्रिक मदाने भी काम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब सही दूध लाओ और दूध की सारी चीज़ें घर पर बनाओ, क्योंकि आजकल गलत दूध से बहुत बीमारी हो सकती है, मतलब गलत दूध होने से आजकल कितनी चीज़ें फैल रही है, साइलेंट हार्ट अटैक आजकल लोगों को हो रहा है, ये पहले नहीं होता था, आजकल बैठे बैठे आदमी एकदम से मर जाता है और फिर डॉक्टर को पूछते तो पता चलता है हार्ट अटैक आया था। पहले तो हार्ट अटैक आता था थोड़ा दिल में दर्द होता था, हार्ट अटैक पहला हार्ट अटैक दूसरा हार्ट अटैक तीसरा हार्ट अटैक इस तरीके की बातें होती थी, आजकल तो ये सारी बातें होती नहीं है। अच्छा और ये इन सब के कारण कहाँ से होंगे, ये केमिकल खा रहे हैं हम, हार्मोन खा रहे हैं, और फिर ये जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं इन पर छिड़काव है, सब्जियों में आजकल इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो रातों रात सब्जियों में या फलों में इंजेक्शन देकर उन्हें रातों रात बड़ा कर दिया जाता है, तो ये हार्मोन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं सब्जियों फलों में वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, ये सब मिल मिला करके हमें अजीब अजीब सी बीमारियाँ दे रहा है। तो दूध और दूध की चीज़ें जो हमारे खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको तुम सही रखो। उसको तुम सही कैसे रखोगे, उसको तुम सही दूध लाओ और दूध की सारी चीज़ें घर पर बनाओ। अब अगले वीडियो में बात करेंगे दूध कहाँ से खरीद सकते हैं, दूध कहाँ से लाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना। अगले वीडियो में लोगों को